एक व्यक्ति की कहानी सुनाता हूं मैं आज आपको। जब वो बोल रहा है तो उसे पता है कि वो क्या बोल रहा है। आज आप मुझे बताएंगे कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है। मैं एक व्यक्ति की कहानी सुना रहा हूं, जब वो बोल रहा है तो उसे पता है वो क्या बोल रहा है। आप मुझे बताएंगे कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है। भजन संहिता चैप्टर 15। लिसन टू द मैन हु स्पीकिंग फ्रॉम द लॉर्ड बाय द लॉर्ड। भजन संहिता 15 और देखो प्रभु का वचन हमसे क्या बात करता है। जिस किसी को मिले वो पहला वचन पढ़े। हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, हे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा परमेश्वर, दाऊद बोल रहा है। दाऊद कौन था? दाऊद ये बातें बोल क्यों रहा है? आज सोचना है थोड़ा सा इस व्यक्ति के बारे में, सोचिए कि दाऊद ये बातें बोल क्यों रहा है, दाऊद ऐसा क्यों कह रहा है, और अगर ऐसा कह रहा है तो आज ये बात आपके और मेरे लिए भी क्यों प्रस्तुत की गई है। दाऊद ने तो और भी बहुत सी बातें कही होंगी, दाऊद ने तो और भी ना जाने क्या क्या बातें कही होंगी, वो तो लिखी नहीं गई, वो तो प्रस्तुत नहीं की गई, लेकिन ये प्रस्तुत की गई। और भी कुछ सुसमाचार की पुस्तकें जिन्हें स्वीकार नहीं किया गया, उन सुसमाचार की पुस्तकों को छोड़कर सुसमाचार की 4 पुस्तकें हैं हमारे पास। उनमें से तो 2 यीशु के चेले भी नहीं थे, लेकिन हम उनको सुनते हैं, पढ़ते हैं और प्रेरित होते हैं और उनके द्वारा विश्वास में बढ़ते हैं। यहां पर पौलुस प्रेरित के समान एक और प्रेरित की बात हम कर रहे हैं, वो है दाऊद। और दाऊद कहता है क्या? हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। सवाल किया है, क्या किया है? सवाल किया है। और सवाल का जवाब आगे से मिलता है। देखिए मैं हमेशा कहता हूं, सवाल हो किसी के भी, जवाब बाइबल के ही मिलेंगे और वहीं मिलेंगे। बहुत ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम उनको यह होती है कि वो सिर्फ उतना सा पढ़ते हैं और इधर उधर ढूंढते हैं, बताओ इसका कौन जवाब देगा। अरे पढ़ ले आगे। फिलिप्पुस को परमेश्वर का आत्मा ले गया जंगल में, किसके पास ले गया? प्रेरितों की पुस्तक में पढ़ा ना हमने, फिलिप्पुस को परमेश्वर का आत्मा जंगल में ले जाता है और वहां पर एक अधिकारी अपने रथ पर बैठा हुआ यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ रहा है। वो बोला मुझे तो समझ में नहीं आ रही, जो तू पढ़ रहा है वो तुझे समझ में आ रहा है? बोला नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आजा मेरे पास आजा और मुझे समझा क्या है इसमें। और फिलिप्पुस वहां जाकर उसको समझाता है। उसने कोई और पुस्तक खोली? बोलिए, क्या उसने उत्पत्ति खोली? क्या उसने प्रकाशित वाक्य खोला? उस समय प्रकाशित वाक्य लिखा भी नहीं गया था। उसने कुछ और खोला? नहीं, उसने उसी पुस्तक से उसे समझाया। बाइबल काफी है, बाइबल काफी है, बाइबल काफी है। और लिखा है, कई सारे लोग जो हैं धार्मिक ग्रंथों की बात करते हैं। ये ब्राह्मण आदमी ग्रंथों को पढ़ना पसंद नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो मेरे परमेश्वर की बात सीधे तौर पर नहीं करते। हम कुछ वेद मंत्र ये वो निकाल, 50 चीज़ें पढ़ी हैं। आई डोंट वॉन्ट टू स्पीक ऑन दैट। मेरे लिए मेरी बाइबल काफ़ी है, मेरी बाइबल काफ़ी है। मुझे किसी बैसाखी की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ वचन से प्रचार करना है और वो वचन काफ़ी है। हालेलुया। सवाल दाऊद ने बोला, दाऊद ने एक बात कही है। ये सवाल जैसा लग रहा है, असल में सवाल नहीं है, ये चैलेंज है। क्या तुम्हें पता है? वो परमेश्वर को कह रहा है और लोगों को बता रहा है। वो खड़ा है एक जगह पर और कह रहा है परमेश्वर, और फिर लोगों को बता रहा, देखो अगर तुमको परमेश्वर के भवन में जाना है, उसके तंबू में रहना है, उसके पवित्र पर्वत पर रहना है, तो तुमको क्या करना होगा। जवाब आगे लिखा है, लिखा है दूसरे पद में लिखा है, वो जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। हालेलुया। मेरे पीछे बोलिएगा, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा। दूसरा वचन पढ़िए, क्या लिखा है? धर्म का काम करता है। हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा। आगे लिखा है, हृदय से जो सच बोलता है। क्या लिखा है? हृदय से जो सच बोलता है। हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा। तीसरा पद क्या लिखा है? हाँ, और अपने मित्र की बुराई ना। हे मेरे परमेश्वर, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता। जो पड़ोसी की निंदा भी नहीं सुनता वो रहेगा। फिर चौथे पद में क्या लिखा है? मेरे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा। चौथे पद में क्या लिखा है? वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है। हे मेरे परमेश्वर, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा। हाँ,
और जो यहोवा के, हाँ, हे मेरे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? हे मेरे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? हे मेरे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? हालेलुया। जो कोई ऐसी चाल चलेगा, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेगा, वो कभी भी न डगमगाएगा। उसने अपना घर चट्टान पे बना लिया है। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, उसने भलाई दी है। आज सबसे पहले एक वीडियो चलाया गया, एक बाप ने अपने बेटे के लिए बहुत खूबसूरत बंगला बनाया है, हर चीज बहुत आयत से बेहतर, खूबसूरत, हर चीज होशियारी से, राइट, चुन चुन के बनाया जाता है। यहोवा परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए, अपने बेटे के लिए एक बहुत सारी खूबसूरत दुनिया बनाई, लेकिन परमेश्वर के बनाए हुए इन लोगों ने सृष्टि का हाल बुरा हाल कर दिया। और तब क्या परमेश्वर ने सृष्टि को बर्बाद कर दिया? थोड़े समय के लिए इसलिए बर्बाद किया ताकि फिर बेहतर बनाए और उत्तम बनाए, लेकिन फिर भी मनुष्य नहीं माना। जो काम मनुष्य ने किया परमेश्वर के विरुद्ध, उसकी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन परमेश्वर ना कभी रुका, ना कभी थका, उसने छोड़ नहीं दिया। उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। बोले अब की बार भी छोड़ूंगा नहीं, आपकी अभी तो पानी से बर्बाद किया था, अब की बार आग से बर्बाद करूंगा और कुछ नहीं बचेगा। इससे पहले कि ऐसा हो, आओ हम अपने आप को तैयार कर लें, अपने आप को तैयार कर लें। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से धरती पर आने वाला है। हाँ जी बोलिए, आने वाला है। क्या करने के लिए? ले जाने के लिए। कहाँ ले जाएगा? स्वर्ग में। स्वर्ग में कहाँ रखेगा? उसने घर बना रखे हैं। हालेलुया, उसने आपके और मेरे लिए घर बना रखे हैं। और पौलू यहां पर जो है, यहां पर दाऊद भी कह रहा है, क्या कह रहा है? हे परमेश्वर, तेरे तंबू में, जिसे तूने बनाया है, बड़ा सुंदर बनाया है, बड़ा सोचकर बनाया है, ना सूरज की चिंता, ना चांद की, ना रोटी की, ना बोटी की, सिर्फ और सिर्फ आनंद ही आनंद। जहां सोना चांदी की चिंता करके मैं मर गई, सोना चांदी की चिंता करके मैं मर गई, साड़ी और कुर्ते और कोट की चिंता करके परेशान हो गया, वहां ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होगी। वहां सब कुछ होगा, सोने की तो सड़कें होंगी। हालेलुया, क्या करोगे सोने का? मेरे पास मेरा सोना काफी है। ओके, लेट्स हियर दिस। यहां लिखा है, सीधे शब्दों में लिखा है, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वो जो बुलाए हुए हैं, चुने हुए हैं, अलग किए हुए हैं, जो परमेश्वर के राज्य के लोग हैं, जो परमेश्वर के द्वारा, लहू के द्वारा छुड़ाए गए हैं, वो जाकर रहेंगे। क्या आप उनमें से हो? बोलने से पहले सोच लेना। देखो क्या लिखा है, लिखा है, वो जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। खराई से चलना, समझते हो आप? एक साफ सुथरी चाल, ऐसा जीवन, एक एक कदम आपका जो सच्चाई का भरा हो, जो खराई से चलता, सच्ची चाल चलता हो, सच्चा जीवन चलता हो, जिसके काम हाथों से किए जाते। अगर आप खराई से चलते हो, सच्चे धर्म के काम यानी परमेश्वर के साथ रिश्ते के अनुसार सच्चे अच्छे काम आप करते हो, तो आपका हृदय भी साफ सुथरा होगा। ये साफ हृदय तब आएगा जब आप खराई से चलते हो। चलते हो क्या? बताओ मत, सोचो अपने बारे में तो सही, थोड़ा सा सोचो, विचार करो, ध्यान से सुनो, क्या आप इस बात के लिए तैयार हो? क्या खराई से चलते हो? क्या धर्म के काम, क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार वो काम करते हो? तो आपका हृदय भी सच होगा। तीसरे वचन में लिखा है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता। कितने लोग हैं प्रभु में विश्वास में आने के बाद, प्रभु बोझ भी लेने के बाद, सब कुछ करने के बाद, अच्छा जीवन जीने के बाद, सब कुछ बातें, लेकिन जब मौका मिला दो चार गालियां चिपका ही देते। तेरा भला हो, तेरी तो तू ता ते तंग ता, यू नो, कुछ भी पॉसिबल है, राइट? बहुत आसान है इस जीव के बारे में। तब आप ये नहीं बोल सकते, अल्पलिबे जीव लपलपाई, नहीं बोल सकते।
दैट्स ट्रू। ये आपका स्वभाव है, ये हृदय कहां रहा, ये स्वभाव में से निकल रहा है, स्वभाव में से निकल रहा है। प्रभु का वचन कहता है बुराई कहीं और से नहीं आ रही है। ओ तू तो मीर खाता है साहब, तेरा तो जो क्या जीवन, तेरा शरीर तो बर्बाद हो गया। क्या हो गया? खंडित हो गया है, खंडित हो गया तेरा शरीर है ना। तूने तो मीट खाया, तूने इसको हाथ लगा दिया, उसको हाथ लगा दिया, तूने ये कर दिया। प्रभु का वचन कहता है कि जितने लोग, बुराई जो है ना अंदर से बाहर आती है, बाहर से अंदर नहीं जाती है। कभी किसी ने देखा है, कभी आप जाते हो कचरे में से उठा के खाते हो? हाँ जी बोलिए, कचरे में से उठा के खा रहे हो या कोई मरा हुआ जानवर घसीट के ला रहे हो घर में? ऐसे तो कुत्ते किया करते हैं। ये आप चाहते हो क्या? गलत चीज़ें, लेकिन गलत चीज़ें हैं। बुराई अंदर से बाहर आ रही है, बाहर से अंदर नहीं जा रही है। यहाँ सीधे शब्दों में लिखा है, तीसरे पद में, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। अगर अगर कोई पड़ोसी की निंदा सुनना बंद कर देगा तो क्या होगा? पड़ोसियों के साथ झगड़ा ही बंद हो जाएगा। ऐसे लोगों को दूर कर दो जो निंदा करते रहते हैं। तू गलत, बाल बना के नहीं आया छोरा आज, हाँ नहाके नहीं आया? अरे तो कोई बात नहीं, नहाके नहीं आया तो उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने ये छीन लिया, उसने वो चोरी कर दी, उसने वो कर दी, बुराई। जिस संगति में आप रहोगे ना, वो संगति आपके लिए वैसी बनने वाली है। मेरे प्रियो, किस तरह से रहते हो? जो पड़ोसी की बुराई नहीं सुनता, चौथे पद में लिखा, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, जो निकम्मों से दूरी बना के रखता है, ऐसे लोगों से जो हमेशा बुरे विचार, बुरी चीजें, बुरे काम। मैं शहरों शहरों में घुमा हूँ, शहरों शहरों में कई सारे ऐसे घरों को देखा है मैंने, जो सिर्फ माँ बाप के जिम में बैठे हैं, कुछ नहीं करते, अपने परसेप्शन में बैठे हैं। आगे देखो क्या लिखा है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं चाहे हानि उठानी पड़े, जो मन का और मुंह का पक्का, मैंने कह दिया सो कह दिया, हानि उठाने के लिए भी तैयार हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, हो गया जो हो गया, बस कह दिया, बात हो गई ना, चले गए, हो जान दो, परवाह नहीं। जो शपथ खा के बदलता नहीं, जो ईमानदार सच्चा है, पांच पद में लिखा है, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि के लिए घूस नहीं लेता। जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी न डगमगाएगा, और वो कहां जाएगा? हे परमेश्वर प्रभु यहोवा, वो तेरे तंबू में रहेगा। हे प्रभु परमेश्वर यहोवा, वो तेरे पवित्र पर्वत पर रहेगा। कौन रहेगा? दाऊद ये बातें क्यों कह रहा है? सवाल अब ये है, कोई मुझे बताएगा दाऊद ये क्यों कह रहा है? मैं आपको बताता हूं, मुश्किल होगा। अभी भी कुछ लोग सोच रहे हैं कि जवाब दूंगा तो कहीं मेरा जवाब उल्टा ना पड़ जाए, कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए, आप कुछ और ना कह दें, कुछ भी कह दें। मैंने हमेशा कहा है, हम सब सीख रहे हैं, हम सब के जवाब एक नहीं हो सकते। हमने कोई किताब पढ़कर एग्जाम नहीं देना है कि पास होने के लिए यही वाली लाइन लिखनी है। हमें अपने आत्मिक जीवन में जो हमने पाया है उस पर बात करनी है। हालेलुया। और दाऊद ने अपने आत्मिक जीवन में जो पाया वो बात की है। दाऊद शुरुआत से परमेश्वर के साथ अच्छी संगति रखता था, वो परमेश्वर के साथ मिलता था, नाचता था, जैसे कि वहाँ पर शाम के समय में आदम परमेश्वर के साथ मिलता था। मेरे ख्याल से परमेश्वर के साथ आदम ऐसे खेलता होगा, हेलो आज सब प्रभु के साथ खेलूंगा, अरे डैडी कैसे हो डैडी, देखो मैंने नाचना सीख लिया है, थोड़ा सा ऐसे वाला भी सीख लिया है, शायद ऐसे बात होती होगी, आई डोंट नो, वहाँ ऐसा नहीं लिखा। लेकिन मैं आपको बताऊँ, दाऊद परमेश्वर की आराधना नाचते हुए करता था। किसके सामने? अपनी भेड़ों के सामने। अरे काली वाली सुन, इधर देख देख, मैं प्रभु की आराधना कर रहा हूँ। अरे धोली वाली सुन, भेड़ों के सामने नाचता था, गाता था, प्रभु की आराधना करता था। प्रभु बोलता, ये छोरा सही है यार, ये सही है। प्रभु के साथ उसका अच्छा रिश्ता था। उसका शत्रु परमेश्वर का दास, परमेश्वर का चुना हुआ राजा शाऊल उसे मारने के लिए दौड़ता था। पिछले रविवार मैंने आपको बताया था, शाऊल दाऊद के हाथ लगा, लेकिन दाऊद ने अपना हाथ नहीं बढ़ाया उसे हत्या करने के लिए, उसे मारने के लिए। मैं तो सेल्फ डिफेंस कर रहा हूँ, ये तो हमेशा मारने आया है, मुझे भी मारेगा, मेरे 400 लोगों को भी मार डालेगा, लेकिन मैं जो है मैं इसे मार दूंगा तो मैं शांति से जीऊंगा और गद्दी मेरी, क्योंकि अभिषेक तो मेरा हुआ है, इसने तो सब कुछ खो दिया है, अब मैं राजा हूँ, राजा मैं हूँ। उसने कभी ऐसा नहीं किया,
He did not respond in that way, and he did what exactly word of God says. दूसरी बार जब दाऊद के हाथ में शाऊल लगा, उसकी जो है पानी पीने एक मशक और भाला कुछ चीज़ें उठाकर अपने साथ ले गया दाऊद, और पीछे से आवाज़ लगाता है, देख तुम लोग तो मारे जाने के लायक हो, तुमने अपने राजा की रखवाली नहीं की, देख उसका भाला कहाँ है, उसकी वो कहाँ है, देखिए मेरे हाथ में है। वो बोलता शाऊल, शाऊल बोलता बेटा दाऊद तू है? बोले हाँ मैं हूँ। तू महान है दाऊद, परमेश्वर ने तुझे चुना है। लेकिन फिर भी शाऊल दाऊद का पीछा करता रहा। ये बात है दाऊद की साफ दिल का, ऐसे मन का, उसने अपने जीवन में ये सब पाया है, अनुभव करके पाया है, वो अनुभव से अपनी गवाही दे रहा है। जैसे यीशु हमको लेने आ रहा वाला है, वैसे ही उसकी बात उसने कह दी, हे यहोवा परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा? बोलो प्रभु यहोवा के तंबू में कौन रहेगा? बोलो बोलो जवाब दो, कौन रहेगा? क्या आप ये बातें मानते हो? क्या आप ऐसा करते हो अपने जीवन में? हो सकता है कि आज मुश्किल हो, हो सकता है कि आज मुश्किल हो, अब तक आपने नहीं किया हो, आज मैं बदलूंगा। कह दो कि मैं आज बदलूंगा, मेरे जीवन के हर काम से सिर्फ उसकी महिमा होगी। मैं जो बोलूंगा उसकी महिमा के लिए बोलूंगा, मैं जो करूंगा उसकी महिमा के लिए करूंगा, मैं हाथ बढ़ाऊंगा किसी काम में तो महिमा उसकी होगी, मैं सुन रहा हूं तो सिर्फ उसकी महिमा को सुनूंगा, मैं बोल रहा हूं तो उसकी महिमा करूंगा, मैं अपने आप के लिए कुछ नहीं करूंगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, प्रभु की तारीफ और प्रभु की जय जयकार। जो जो लोग ना खास अपने आप को अपने आप को परमेश्वर के लिए खास बनाएंगे, या मालिक के लिए जो अपने आप को खास बनाता है, वो मालिक के साथ आदर प्राप्त करता है। ठीक है, एक व्यक्ति के 5 नौकर हैं, ठीक है, 5 को एक साथ हायर किया है, और 5 में से कुछ एक लोग ऐसे निकल जाएंगे जो मालिक के बहुत खास हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को ऐसा बनाया मालिक के लिए, और मालिक उसको कहाँ रखेगा बताइए, बताइए ना, मालिक उसे बिल्कुल अपने साथ रखेगा। हाँ, रखेगा कि नहीं रखेगा? रखेगा कि नहीं रखेगा? आपने देखा होगा गाड़ियाँ, देखिए कुछ गाड़ियाँ हैं जो 10 लाख रुपए की है, कुछ है जो 5 लाख की है, कुछ है जो 50 लाख की है। अब इन तीनों गाड़ियों में से सबसे ज़्यादा इज्जत किस गाड़ी को मिलती है? क्यों? क्या वो महंगी है इसलिए? बोलिए ना, सिर्फ इसलिए नहीं, क्योंकि वो मालिक की शोभा ज़्यादा बढ़ा रही है। क्या कर रही है? मालिक की शोभा ज़्यादा बढ़ा रही है। जो 5 लाख की, जो 10 लाख की गाड़ी है, उसे कीचड़ कच्चे डब्बे में कहीं भी ले जाएंगे, लेकिन जो गाड़ी 50 लाख की है, उसको कहीं ले जाने के लिए भी सोचेंगे, क्योंकि मालिक की शोभा यही बढ़ाती है। हालेलुया। आप और मैं कार कीचड़ ये सब नहीं है, हम परमेश्वर की चुने हुए निज प्रजा हैं, राजपद्धारी याजकों का समाज है। परमेश्वर आपको उच्च स्थान क्यों नहीं देगा? हालेलुया। सोच के देखिए परमेश्वर आपके जीवन में कैसी बातों को देखना चाहता है। दाऊद ने ये बात कही है क्योंकि ये वो जी रहा है, ये वो अपने जीवन में पा रहा है। नॉट ओनली दिस, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, निकालिए मेरे साथ यहूना के पुस्तक उसका 15 अध्याय, और देखो प्रभु का वचन आपसे क्या बात करता है। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 15, प्रभु का वचन आपसे, प्रभु यीशु के द्वारा क्या कहता है, चैप्टर 15 वर्स 1 क्या कहता है, 15 अध्याय, सच्ची दाखलता मैं हूं। कौन है? यीशु है। सच्ची दाखलता मैं हूं, लिखा है आगे, और मेरा पिता किसान है। मैं तो दाखलता हूं, दाखलता समझते हो ना, मैंने पहले भी बहुत बार बताया, वो लता यानी कि वो बेल जिसमें अंगूर लगते हैं, दाखलता सच्ची मैं हूं, और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, जो डाली मुझ में और नहीं फलती उन्हें वे काट डालता है, और जो फलती है उसे वे छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो, तो मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसा डाली यदि दाखलता में बनी रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। 7 पद में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो दो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आओ हम परमेश्वर यहोवा के पास चलें, आओ हम यीशु के साथ चलें।
हमारा रिश्ता जो टूट गया था अब यीशु मसीह में फिर से इकट्ठा हो गया। अब जो यीशु मसीह में बने हुए हैं वो सामर्थ्य पाते हैं, नया बल प्राप्त करते हैं, नया आनंद प्राप्त करते हैं। हे प्रभु यहोवा तेरा धन्यवाद, मुझे मौका मिल गया, मुझे मौका मिल गया। मैं भी नाश होने वालों की लाइन में नहीं खड़ा हूं, मैं उस लाइन में नहीं हूं जो लोग नाश होने के लिए खड़े हैं। लोग चौड़ा मार्ग चुनते तो हैं, लेकिन ये चौड़ा मार्ग कहां ले जा रहा है उन्हें एहसास नहीं है। लोग सकड़ा मार्ग छोड़ देते हैं। अभी बहुत खूबसूरत सा भाग पढ़ा था, क्या पढ़ा था याद है? अय्यूब की पुस्तक अध्याय 5:17-18-19 पढ़ी, क्या लिखा है? देख क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है। हाँ, वो धन्य मनुष्य जो परमेश्वर की ओर से ताड़ना सहे, ताड़ना सहे। अगर ताड़ना सहेगा तो क्या होगा? इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान। हाँ, अब जो उसने तुझे ताड़ना दी है तो उसे तुच्छ मत जान, जो हुआ है भला हुआ है। फिर क्यों? क्योंकि वही घायल करता है और वही पट्टी भी बांधता है, वही मारता है और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। क्यों? वे तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा, वरन 7 से भी तेरी कुछानी न होने पाएगी। आमेन, हालेलुया। वही तुझे संभालता है, वही तुझे मुसीबत से निकालता है। क्यों? क्योंकि वो तुझे 6 वरन 7 विपत्तियों से भी बचाएगा। हालेलुया। कभी कभी छोटे मोटे नुकसान हमारे लिए भलाई और भलाई को ले आते हैं। वो ट्रक, वो एक्सीडेंट और वो सारी बातें, यू नो दिस थिंग, गॉड इज गॉड, ही लव्स यू। उसने आपसे तब प्यार किया जब आपने कभी भी उसे अंगीकार नहीं किया था। क्या अब वो आपको नहीं चुनेगा? क्या अब वो आपको आशीषें नहीं देगा? क्या अब वो आपको खड़ा नहीं करेगा? क्या अब वो आपके लिए भले काम नहीं करेगा? मेरे प्रियो, आज भी वो यही चाहता है। कौन प्रभु यहोवा के तंबू में रहेगा? कौन उस पवित्र पर्वत पर रहेगा? वो जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है। यूहन्ना 15:7 में लिखा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो चाहो मांगो। प्रभु का आत्मा आपको प्रेरित करे, आओ उसके वचन के अनुसार चलें, छोटे बड़े हर काम में बेहतर और उत्तम काम करें, साफ सुथरा जीवन जिएं और खड़े होकर चलें, नए मन से चलें। प्रभु, मैं आज से अपने आप को और बदलूंगा। जब मैं विश्वास में आया, कई सारे सवाल मेरे मन में होते, मैं पूछ ही नहीं पाता। कभी कभी लोगों से पूछता तो मुझे आंसर नहीं मिल पाते थे, मैं उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हो पाता था कभी कभी। तब मेरे साथ जब भी मैं सभा में बैठता, कुछ ना कुछ नई बात प्रभु मुझे प्रेरित करता और वो नई बात सुनकर मैं अपने जीवन में बदलाव ले आता, और इसी कारण मैं आज भी मजबूती से खड़ा हूं। मेरी समस्याओं के लिए मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जाना और पूछना बुरी बात नहीं है, पर मेरी समस्या प्रभु यहोवा में पहले ही पूरी होती है, बल देता है। कुछ ऐसी चीजें भी जिनसे मैं सालों से जूझ रहा हूं, आई डोंट हैव एनी आंसर अबाउट दिस, पर मैं उनमें भी बल प्राप्त करता हूं। आपको, आपके जीवन को परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से चलाए, उनको चलाएगा जो पूरे मन से, पूरी सच्चाई से, पूरी ईमानदारी से प्रभु में और प्रभु के पीछे चलने वाले ठहरेंगे। प्रभु आपसे बात करे प्रियो, उसकी मर्जी आप में और आपके जीवन में पूरी हो। हाउ डू यू स्टार्ट योर डे? आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? आओ एक ऐसे दिन की शुरुआत करें जो परमेश्वर के साथ होता है। विजनरी टीवी पर।